व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज विनोद वाधु थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सिंपल ब्यूटीफुल फुटर यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसे मिस कीजिए। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर गाइस तो आप में से बहुतों ने रिक्वेस्ट किया था कि किस तरीके से हम फुटर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस फुटर बहुत इजी क्रिएट करने, लेकिन फुटर में मोस्टली आप लोग चाहते थे कि उसमें सोशल आइकन इंक्लूड हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सोशल आइकन को इंक्लूड किया हुआ है एंड सिंपल सा एक हूवर इफेक्ट रखा जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, जब इस पे मैं करूंगा क्लिक तो ये मेरे ऑफिशियल फेसबुक के पेज पे, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे ये रिडायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, एंड गाइस इतना ही नहीं, अभी फिलहाल आज इस वीडियो के लिए इतना ही होगा क्योंकि इतना भी बना लिया तो ईजी, क्योंकि बहुतों को बहुत सिंपल एंड एलिगेंट जो लुक होता है वो पसंद आता है। ठीक है, लेकिन कल के दिन जो वीडियो का गाइस वो देखो गाइस, कल के दिन में कुछ ऐसा बनाने वाला हूं जहां पे ये एकदम मतलब खतरा वाला आप देख सकते हो कि इफेक्ट दे रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देगा ये, तो ये कल देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है गाइस। तो देखिए इसको करना कैसे, तो मैं हमेशा की तरह सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और इसको मैंने एक नाम दे रखा है सोशल आइकन्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहां पे मैं जाता हूं, सिंपली एक डिव ले लेता हूं गाइस, इसको मैं क्लास दे देता हूं सेंटर डिव इस तरीके से। ठीक है, एंड आई थिंक थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, परफेक्ट। और इसके अंदर सिंपली आप में एब्रीविएशन नहीं एंकर टैग ले लेता हूं इस तरीके से एंकर टैग। अरे यहां पे देखो गाइस मैं क्या करने आ रहा हूं, आप यूज कर रहे हो फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने फॉन्ट ऑसम का लिंक सीडीएन लिंक निकाला हुआ है, तो यहां पे जाके जो मिनिफाइड वर्जन ये मैं कॉपी कर लेता हूं। एंड गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसका सोर्स कोड ये लिंक ये सब कैसे मिलेगा, तो आप देखो गाइस आजकल में मेरे जितने भी वीडियो है, ठीक है, जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, अगर आप किसी में भी एक जाओगे, किसी में भी आप क्लिक कर दोगे, सपोज मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, वो जो मैंने ऑसम एक वेबसाइट क्रिएट किया था इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो गाइस आप दूसरे पेज पे जाते हैं और उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वहां पे आप देखोगे मेरा सबसे पहला जो लिंक होता है वो होता है आपका सोर्स कोड का लिंक। आपको बस इस पे क्लिक कर देना, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। नीचे बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं मैंने, ठीक है, मैं वीडियो बनाने के लिए क्या क्या टूल यूज करता, कौन सा लैपटॉप, कौन सा माइक, ये सब यहाँ पे है। एंड देन मेरे सोशल वेबसाइट फेसबुक ट्विटर सारे लिंक आप मुझे आप लोग मुझसे इस लिंक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था गाइस, मैंने आपको वही बताया कि सोर्स कोड आपको कैसे मिलेगा कि नहीं। तो फिलहाल अभी मैं मिनिफाइड वर्जन वाला कॉपी कर लेता हूं इस तरीके से, कॉपी लिंक टैग एंड ठीक है टाइटल टैग के नीचे इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, परफेक्ट। इस तरीके से कॉपी हो चुका है गाइस। अब ठीक यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि अब मैंने सोशल आइकन मतलब आपका फॉन्ट ऑसम के थ्रू ले रहा हूं मैं, तो वो लिंक तो मैंने दे दिया, लेकिन फॉन्ट ऑसम को मुझे अब ऐड करने के लिए तो उसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट fontawesome.com पे चला गया हूं। यहाँ पे आपको इस तरीके से फेसबुक लिखना है एंड बिलीव मी गाइस मेरा एकदम पिछले 3-4 दिन से वाईफाई बहुत फालतू चल रहा तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही, लेकिन मैंने आपको बताया कि इतना मतलब हमने इतना यूज किया कि फॉन्ट ऑसम आपको आईडिया, तो इस तरीके से आपको एंकर टैग लिखना, सॉरी एंकर टैग नहीं आई टैग लिखना पड़ता है, यहाँ पे क्लास देना पड़ता है और आपको लिखना है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम में आपको चाहिए फेसबुक, दिस इज इट। ठीक, इतना भी आपने अगर लिख दिया ना, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ गाइस एकदम लास्ट पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे बूम गाइस ये देखो कैसा लगा आपको, फेसबुक दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अब आपको लिंक चाहिए ना, जब कोई इस पे करे क्लिक तो वो फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। सो आप देख सकते हो गाइस मैंने अगेन आपको बताया कि आजकल जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में एकदम नीचे देखो मेरा फेसबुक का लिंक है, ट्विटर इंस्टाग्राम सबका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, अभी मैं अगर यहां जाता हूं रिफ्रेश करता हूं तो गाइस इस पे देखो यहां आपको एकदम बॉटम पे यहां देखना है, यहां पे इस जगह पे आपको दिखाई देगा आपको लिंक आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं क्लिक करूं तो वो दूसरे पेज पे जाके उसको ओपन करे, सो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, दिस इज इट, इतना सिंपल। इसको अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूं एंड क्लिक कर देता हूं आप देख सकते हो मेरा ये फेसबुक का पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से गाइस मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे एक और लिख लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जाता हूँ, ये मेरा होगा गाइस आपके लिए इंस्टाग्राम का। ठीक है, सो इस तरीके से आई टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लास लिख फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम में इंस्टाग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप लिखीजिए, कंट्रोल एस सेव कर दीजिए, कुछ नहीं करना, खाली आप रिफ्रेश करते रहो, देखो गाइस वो आता जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने ट्विटर यूट्यूब और लिंक्डइन को भी ऐड कर दिया है सिंपल सा। ठीक है, ऑल राइट, तो इतना हो गया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता तो कुछ इस तरीके से आपको ये परफेक्टली दिखाई देगा। ऑल राइट, ठीक है, अगेन मैंने वही बताया ना कि अगर आपको लिंक ऐड करना है तो सिंपली ये तो फिलहाल मेरा, तो मैं इस तरीके से इंस्टाग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इंस्टाग्राम के लिंक के इधर पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टारगेट दे देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक,
दिस इज इट. ठीक है, मैं सिर्फ दो को दे रहा हूं क्योंकि अगर एक को आपको मैंने बता दिया तो बाकी आप अपने आप खुद से ही कर लोगे. तो कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहां पे मैं जाता हूं और रिफ्रेश कर देता हूं, परफेक्टली हो चुका. अब मुझे ये सेंटर में चाहिए. सो गाइस, अब हमारा प्योर सीएसएस आ चुका है. सो स्टाइल टैग यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंटरनल सीएसएस. तो सबसे पहले कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे तो ये मार्जिन जो है आपका गाइस, ठीक है, मार्जिन ऑल राइट में ये क्या, ठीक है, मार्जिन जीरो एंड देन आपको लिखना है पैडिंग जीरो, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आपका 8 पिक्सल का मार्जिन खा रहा होता है. एंड देन आपका जो डिप है, मैंने अभी आपको जो दिखाया था जिसको मैंने सेंटर डिप भी नाम दिया, बेसिकली एक ही डिप है तो मैं फिलहाल डिप ले लेता हूं. ठीक है, कोई नहीं, अगर क्लास दिया ही है तो सेंटर डिप कर देता हूं. चलो ठीक है, सेंटर डिप में गाइस हाइट में कर देता हूं 100 BH. एंड 100 BH में गाइस आजकल हर वीडियो में बोलो कि डजंट मैटर आप किस डिवाइस पे देख रहे हो, ठीक है, उसके हमेशा वो कंप्लीट हाइट ले लेगा उसका वो. सो गाइस ये 100 BH अगर आप सोच रहे हो क्या है, तो गाइस मैं आजकल हर वीडियो में बताता हूं कि 100 वर्टिकल हाइट या व्यू हाइट मतलब ये कि आप चाहे किस भी डिवाइस पे इसको रन कराओ तो उसका वो परफेक्टली एकदम 100% हाइट ले लेगा जो भी डिवाइस हो उसका, ठीक है. एंड देन डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया. अब मुझे वर्टिकली सेंटर में आने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, दिस इज इट. इतनी इजीली गाइस मेरे सेंटर पे आ चुका परफेक्टली, ठीक है, इतना काम हो गया. अब मुझे एंकर टैग के साथ खेलना है. सो ये जो मेरा एंकर टैग है गाइस उसके साथ अब मुझे खेलना है. तो सबसे पहले एंकर टैग का हाइट में 100 पिक्सल दे देता हूं, विड्थ दे देता हूं 100 पिक्सल, तभी वो आपका सर्कल बनेगा ना. एंड इसको गाइस अब मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं और जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा ये, ठीक है. इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट परफेक्ट. अब इसका अगर मैं बॉर्डर रेडियस निकाल दूं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देता हूं 50 पिक्सल, परफेक्टली एक सर्कल बन जाएगा. एंड 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा जूम है, परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, आपको शायद ये बैकग्राउंड कलर के कारण नहीं दिख रहा, लेकिन अगर इसको मैं कर देता हूं ब्लैक इस तरीके से एंड जब रन करता तो आपको दिखाई देगा एक परफेक्ट ब्लैक कलर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो फिलहाल अभी वो कलर नीचे, मुझे यही कलर चाहिए परफेक्ट. इतना हुआ गाइस, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूं ताकि वो आपको सेंटर पे दिखाई दे इस तरीके से, ठीक है. ये देखो सेंटर पे आ चुका है. अब भी एक चीज कर देता हूं कि मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन दे देता हूं 10 पिक्सल का फ्रॉम ऑल दी साइड्स, मतलब बॉर्डर के बाहर तो चिपकेंगे नहीं. अब इस तरीके से आ चुके हैं ये, ठीक है. अब एक चीज आपको इसमें से थोड़ा सा वेट लग रहा होगा क्योंकि वो आपको दिख ही नहीं रहा है कि, मतलब मुझे तो दिख रहा है बट आई थिंक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो शायद उतनी क्लैरिटी से आपको दिखा नहीं पाएगा कि बैकग्राउंड में कुछ है भी या नहीं. सो गाइस वी हैव अ बॉक्स शैडो, 1 पिक्सल दे देता हूं इसको, इसको मैं 4 पिक्सल, इसको 2 पिक्सल ब्लर कर देता हूं, और उसको कितना स्प्रेड करना है उसको भी 2 पिक्सल. और ये जो कलर है गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ क्योंकि आपको कलर मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है. एक सेकेंड, ऑल राइट, मैंने एक्चुअली उसी को ही कॉपी कर दिया, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है. इस तरीके से मैंने पेस्ट किया एंड आई थिंक अब आपको थोड़ा मस्त लगेगा. ऑल राइट, देखा अब कैसा लग रहा है, हल्का सा आपको एक बटन टाइप दिखने लगा है ये, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ बॉक्स शैडो. अभी गाइस ये जो फॉन्ट है ये मुझे मिडिल में चाहिए, ठीक है. सो कैसे, एंकर टैग के अंदर जो मेरा आइकन है गाइस उसका पहले तो मुझे फॉन्ट साइज करना होगा 30 पिक्सल, ठीक है. नहीं तो मैं बताता आपको उसको, ठीक है. देखो ये अगर फॉन्ट साइज ऐसे नहीं बढ़ रहा है ना आपका, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि फॉन्ट और सम वालों ने क्या कर रखा है अपना. एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे कर देता, उन्होंने अपना खुद का क्लास दे रखा है गाइस मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप सिंपली ऑल राइट ऐसे 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 करके यहाँ जाके अगर आप लिख देते हो फॉन्ट ऑसम 2 टाइम्स, अभी जितना भी दिखाई दे रहा है उसका 2 टाइम्स बिगर, तो इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, इस तरीके से हो गया, ठीक है. ऑल राइट, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है. एंड देन आप क्या कर सकते हो गाइस, लाइन हाइट, एक काम करते हैं, इसको आपको लाइन हाइट देना पड़ेगा. सो लाइन हाइट फिलहाल इसको ना देखिए, मैं इसी को ही दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए गाइस, सेंटर में चाहिए. हालांकि आप डिस्प्ले यूज कर सकते थे लेकिन मैंने सोचा कि ऑलरेडी ऊपर तो मैंने बता ही दिया, तो अब मैं आपको प्योर विदाउट फ्लैक्स बॉक्स कैसे यूज करना है, इस तरीके से 100 पिक्सल लिख दो आप एंड 3, 2, 1 एंड बूम गाइस परफेक्टली सेंटर में. तो एक काम करो, 110 कर दो. ऑल राइट, अब ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं. अभी गाइस आपको क्या करना है कि ये जो आपका एंकर टैग का ए जो है, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो ट्रांजिशन दे सकते हो. और ट्रांजिशन क्यों बोलने से मैं अभी आपको बताता हूँ. ट्रांजिशन दे दो ऑल 0.3 सेकेंड्स लीनियर, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड आएगा. वो इसलिए क्योंकि जब आप एंकर टैग को करोगे हुबर, तो ये जो भी आपके आइकन है आई, ठीक है, उसका मुझे फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है. सो फॉन्ट साइज आप लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली इस तरीके से लिख दो ट्रांसफॉर्म में, स्केल मैंने आपको बता रहे 1.4
लिख दो बस, इस 1. अगर आप 2 लिखते हैं तो उसका 2 गुना हो जाता, तो आप समझ लीजिए 1.4 कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखो गाइस कैसा लगा आपको ये, देखो है कि नहीं ये ऑसम, ठीक है। अब बस इतना तो हो ही चुका, बस आपको करना है क्या, इसका कलर चेंज करना है। एंड गाइस कलर चेंज करना बहुत सिंपल है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा इस तरीके से कलर, सो यहां पे मैं आता हूं, कॉपी कर लेता हूं इसको और सिंपली यहां पे आके इसको मैं चिपका देता हूं। तो कुछ नहीं, मेरा ये जो फॉन्ट ऑसम इंस्टाग्राम है उसका क्लास को लिया मैंने, कलर चेंज किया, यूट्यूब का कलर चेंज किया, लिंक्डइन का कलर और ये उसका कलर, ठीक है। यहां पे मैं जाता हूं एंड रिफ्रेश कर देता हूं, बूम गाइस देखो कैसा लगा आपको, जस्ट देख रहे हो आप, मतलब कितना इजी, कितना स्वीट और सिंपल आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आजकल के आप मॉडर्न वेबसाइट देखोगे गाइस, मैं अगेन बता रहा हूं, ये अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो गाइस मैं बता रहा हूं, इसमें मैंने पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ, एडवांस सीएसएस के थ्रू ये क्रिएट किया हुआ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पहले में और अभी में कितना डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से गाइस ये कल के दिन मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूं, एंड जो आज हमने देखा ये बहुत सिंपल, एकदम स्वीट और मोस्टली लोग ऐसा ही प्रीफर करते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। ज्यादा एनिमेशन नहीं, ज्यादा हाईफाई नहीं, एकदम स्वीट और सिंपल, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे वीडियोस को मिस कीजिए, ठीक है। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थापा टेक्निकल, एंड प्लीज हेल्प मी टू गेट 1 लाख सब्सक्राइबर गाइस प्लीज, ठीक है। एंड देन आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। एंड देन गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, और चाहे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगे लिंक्स, एंड मैं कौन सा क्या यूज कर रहा हूं, और आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली पर्सनली, ठीक है। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।